तो वेलकम गाइस टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम कुछ नया ट्राई करने वाले फिर से, दैट इज वी आर गोइंग टू कुक इन आवर चैलेंज। यस गाइस, यू आर राइट, यू हर्ड इट राइट। तो आज हम करने जा रहे हैं थोड़ा बहुत मस्ती मजाक का कुकिंग। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं इसको हम देख सकते हैं। अच्छा तो ठीक है दोस्तों, अभी पानी में उबल आ चुका है तो इसमें डालेंगे थोड़ा कटा हुआ आलू। बीन्स, इधर फ्रेंच बीन्स यूज कर रहा हूँ, आप लोग उधर क्या मिलते हैं उसको यूज करो। और इधर कैरेट है यानी कि गाजर, सबको डालो इसके अंदर। और हम लोग कैप्सिकम थोड़ा देर में डालेंगे क्योंकि वो जल्दी पक जाता है। तो हम डालेंगे कॉलीफ्लावर, इसको अच्छी तरह से क्लीन करो वरना यह नॉन वेजिटेरियन हो जाएगा। इन सब को डालने के बाद इसमें हम पीस भी ऐड कर सकते, लेकिन इसको मैंने फिलहाल उबाला है और एक दो तीन मिनट लगा कर उबाला है, तो इसको बाद में डालेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, शायद एक चम्मच डालेंगे, इसके साथ थोड़ा नमक डालेंगे, ज़्यादा मत डालो अभी, बस इतना ही। इसको एक बार अच्छी से मिक्स कर दो। अभी इसको उबाल आने तक थोड़ा रहने दो इसको, तो हम दूसरी फ्लेम लगाएंगे और आगे के प्रोसेस में जाएंगे अब। तो तब तक हम लोग एक पेस्ट बनाएंगे, उसमें जाएगा सौंफ एक चम्मच, जीरा एक चम्मच और एक काजू जो है डालो, 30 ग्राम काजू डालो। के बाद जाता है ग्रेटेड कोकोनट, एक थोड़ा डालो, और लाल मिर्च जो मिलता है इधर। इसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करो। पानी ऐड करने के बाद इसको ढको और एक फाइन पेस्ट बनाओ। तो पेस्ट बन चुका है, कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसको अभी साइड में रखेंगे, दूसरा प्रोसेस में जाएंगे। चलो तो एक बड़ा कढ़ाई लेंगे, इसमें आग और इसमें जाएगा अब 2 चम्मच तेल। और इसमें डालो ये जो पैकेट मिलता है ना, ये वाला डालो। तो इसमें आता है दहेज पत्ता, एक ये जो भी आता है इन सबको डालो। और इधर देख सकते हो लवंग, स्टार वगैरह सब कुछ है इसमें, डालो। इसको थोड़ा भूनो। इसमें मिलता है सौंफ और थोड़ा कसकस, इसको भी डालो। और इसके बाद एक छर्रा हरी मिर्च डालना, अच्छी से भून लेना। और इसी में अब बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे हम लोग, जितना छोटा हो सके उतना छोटा करो। अच्छे से भूनना।
लो से हाई फ्लेम तक इसको भूनते रहो ताकि इसका कलर जो अब वो जो वाइट जो कलर है वो एरोमेटिक गोल्डन होना चाहिए। और इसी में कड़ी पत्ता डालो, कड़ी पत्ता के एक पूरा ये डाल दो, थोड़ा इसको भी थोड़ा कट करो और इधर डालो। फ्लेम हाई रखो। तो अभी इसका कलर जो है चेंज हो चुका है तो गोल्डन येलो। तो अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने लिया है स्मिथ एंड जोन्स की ओर से, थोड़ा डालो। और इसको अब अच्छे से मिला लो, इसको तब तक मिला लो जब तक उसका वो जो स्मेल आता है ना, रॉ स्मेल आता है ना, जब तक हो जाए तब तक इसको मिलाते रहो। तो गाइस ओके, ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गया, मैंने इसको पकाने को रखा था इधर। मेरे हिसाब से अब तो ये पक चुका होगा, आप देख सकते हो फोर के अंदर आराम से गया है गाजर और कॉलीफ्लावर का। आप लोग देख सकते हैं इधर एक वाइटनेस होता है, अब इधर कैमरा में फोकस होगा कि नहीं पता, ओके जो इधर वाइटनेस होता है हल्दी की वजह से नहीं गया, लेकिन इधर जो वाइटनेस होता है वो जा चुका है। तो इसको हम अभी ऑफ करके साइड में रखेंगे। ओके तो इसका अभी जो गाढ़ा वाला स्मेल था वो जा चुका है, अच्छे सारा मिक्स हो चुका है इधर। तो अभी इसमें हम ऐड करेंगे टमेटो प्यूरी। हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इसमें क्योंकि टमाटर का जो रेट है अब आसमान से भी ऊपर है। तो इसको अभी अच्छे से मिक्स करो। दिखने में अजीब लगेगा लेकिन बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। तो अभी हम इसको ढकेंगे, थोड़ी देर रखेंगे, ठीक है। और जो ढक्कन है मेरी मुंह की तरह देखा, तो ये ऑलमोस्ट पक चुका है इधर, इसका जो ऑयलीनेस है वो जा चुका है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। एक मिनट तक इसको भूनना ताकि वो अच्छे से मिलावट हो इसमें। आग मैंने तेज कर लिया ताकि वो मसाले जो इधर अच्छे से पके। इधर एक मिनट तक अच्छे से भूनना। तो अब जो पक चुका है हम इसमें ऐड करेंगे हमारा आज का पेस्ट जो हमने पहले बनाया था। इसमें डाला था काजू, ग्रेटेड कोकोनट, और इसको अच्छे से एक बार भून लीजिए। ये थोड़ा ड्राई हो चुका है, आप लोग थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं उसमें,
ये ज़्यादा ड्राई हो गया, तो इसमें अभी मैं थोड़ा पानी यूज़ करने वाला हूँ। उसी में जो इसमें हमने पेस्ट बनाया था उसी में थोड़ा पानी डालकर मैं इस पर इस्तेमाल करूँगा। इस पेस्ट को हमने बनाया था, अब इसको हाई फ्लेम में हम पकाएंगे। इसका बहुत बढ़िया एक स्मेल आ रही है, तो इसमें अब हम उबले हुए सब्जियां डालेंगे। जो सब्जियां हमने उबाला था इधर, इसको डालेंगे। डालते वक्त थोड़ा ध्यान से, और अब इसी के साथ हमने जो इधर शिमला मिर्च रखा था उसको भी डालेंगे। मैंने थोड़ा बड़ा कट किया है शिमला मिर्च को, तो एक बार मिक्स कीजिए। अच्छे से सब मसाला एक लगना चाहिए हर एक सब्जी में। अब इसी मिक्सर में जो मैंने मटर तब बोला था ना, मैंने इधर इसको दो तीन चार सीटी लगा कर इसको ये किया था, ये अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, तो इसको हम डालेंगे इसमें। और इसको भी एक अच्छा वाला एक मिक्स देंगे। अब आग को करेंगे हाई, और इसको अब हम लोग ढक कर एक 5 मिनट रखेंगे। ऐसे ही हाई फ्लेम में रखेंगे। तो इसी दौरान हमको इधर स्वाद अनुसार नमक डालना चाहिए, ज़्यादा मत डालो, स्वाद अनुसार रखो। इधर बस इतना ही डाल रहा हूँ। इसके साथ हमने बनाया है गरम मसाला घर में, और इसी को डाल रहे इधर 1 चम्मच डाल दिया। अभी इसको करेंगे अच्छी से मिक्स। और मिक्स करने के बाद कम से कम इसको 7 से 8 मिनट तक लो से हाई फ्लेम में पकाना है। अब इसी में अब आप लोग चाहे तो पनीर डाल सकते हो, पर हम लोग फिलहाल नहीं यूज़ कर रहे। इधर बहुत सारा सब्जियां है, तो इसी वजह से हम लोग ज़्यादा और कुछ नहीं डाल रहे। और जो पानी मैंने इस सब्ज़ी को उबालने में जो रखा था उसी पानी को मैंने डाला है इधर, कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं रखा है मैंने। इसको हम लो फ्लेम से हाई फ्लेम तक 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। ओके, तो अभी 7 से 8 मिनट हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हो इसका कलर वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है फिलहाल। ऑलमोस्ट इसका जो रस है वो गाढ़ा हो चुका है इधर। इसमें आप बिल्कुल भी पानी मत डालना, बस ऐसा ही अच्छा लगता है। पानी डालोगे तो फिर से थोड़ा बहुत नमक और गरम मसाला वगैरह डालना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस के बाद हम लोग इधर नारियल का दूध जो है इसको डालेंगे। ये नारियल का दूध है, ये कितना जो लोटा है इसमें डाला है। और अब देखो इसका कलर और भी लाइट हो चुका है। अब इसको अच्छे से एक बार मिला लो। और इसी में मैं अब थोड़ा सा कसूरी मेथी डालने वाला हूँ,
थोड़ा सा कसूरी मेथी, कृपया उसको ज़्यादा ना डालो नहीं तो सारा जो करी है जो कड़वा हो जाता है। और उसके ऊपर थोड़ा बहुत एक पत्ता ले लो और गार्निश करो, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। आपको इधर ही ऑफ करो। इसके बाद एक सर्विंग बाउल में डालो, बहुत अच्छी दिख रही है अब। तो इसी के साथ ये मज़ेदार जो कुर्मा मैंने बनाया है, तो इसको आप लोग कर सकते हो राइस चपाती के साथ मिक्स और खा सकते हो। गर्मा गर्म कुर्मा आपके लिए, ले जाओ।